हेलो फ्रेंड, आई एम सिद्धार्थ राज, वेलकम बैक टू मर्डर वीडियो। आज मैं डिस्कशन करूंगा कितने कितने रैंक तक है, तो तुम जितना भी फर्दर आउट होने वाला है उसके लिए वेट करो या फिर तुम और किसी कॉल पे स्विच कर सकते हो। मेरे को ये मैसेज रहता है, भैया अगला काउंसलिंग कब आएगा, मेरे को ये बताओ। बस मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा, बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो कंप्लीट तक देखना। मेरे को नहीं लगता है वीडियो के एंड तक कोई डाउट होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछो, मैं ट्राई करूंगा तुम सभी का रिप्लाई करने का। थोड़ा लेट हो सकता है पर मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। बस मैं इस वीडियो में बता दूंगा हाँ कितने कितने रैंक तक है, हाँ तुम मणिपाल के लिए वेट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं फर्दर राउंड की 6th राउंड 7th राउंड इंटर राउंड फोर्थ राउंड जो भी होगा वो सबको सबके रैंक को मैं कवर करके बताया हूँ। शायद ये लास्ट वीडियो में रैंक की रिगार्डिंग है मणिपाल के। और ये मेरे को बताओ बात, मणिपाल के रिगार्डिंग क्या जानना चाहते हो, वीआईटी का रिगार्डिंग क्या जानना चाहते हो, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना फर्स्ट ईयर में वर्थ इट है, कौन सा सेकंड ईयर में, भैया कौन सा क्लब को ज्वाइन करूं, भैया मैं मैकेनिकल कहां से पढ़ूं, भैया मैं मैथ्स कहां से पढ़ूं, भैया मैं कोडिंग कहां सीखूं, कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे पूछो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछो, जिसके रिगार्डिंग मैं ज्यादा कमेंट देखूंगा। बस मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि हाँ बस वीडियो को एंड तक देखो, अगर मेरा वीडियो लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे फैमिली का मेंबर बन जाओ और एक अपना लाइक दो जिससे कि मेरी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। म्यूजिक। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सीएससी के ऊपर और एआईएमआई जो कि सीएससी का स्पेशलाइजेशन कोर्स है उसके ऊपर बात करूंगा, फिर डेटा साइंस के ऊपर बात करूंगा, फिर आईटी के ऊपर बात करूंगा और इसका ईसी के ऊपर बात करूंगा और ट्रिपल ई के ऊपर बात करूंगा, मैकेनिकल्स और मैकेट्रॉनिक्स। और बाकी सबका मैं अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट तुम कर सकते हो, ठीक है। और चलो मैं मेन कैंपस पर सबसे पहले डिस्कशन करता हूँ। अगर तुम्हारा 900 से लेकर के 1000 के अंदर तुम्हारा रैंक है, हाँ तुम वेट करो, अगर तुमको 6th राउंड पे ना मिले तो तेरे को 7th राउंड या फिर स्पोर्ट राउंड इंटर राउंड किसी भी मिल जाएगा। और मेरे साथ हमेशा बना रहना, इंटर राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो सभी मैं बता दूंगा और किसी भी कॉन्स्टर के ट्रैक पे ना फंसे। अगर देखो इस रैंक के बाहर तुम्हारा रैंक है तो प्लीज किसी और कॉलेज में तुम शिफ्ट हो सकते हो। कॉमेंट्री में तुम्हारा खराब रैंक है तो हाँ मेरे साथ पढ़ लेते हो, भैया मेरा कॉमेंट्री में खराब रैंक आ गया अब मैं क्या करूँ, मेरे को डायरेक्ट एक्शन लेना है, इस तरह कोई भी रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज आके आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करो, मैं कम से कम चार्ज में तुम्हारा अच्छा सा कॉमेंट्री कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर AIML के ऊपर मैं बात करूँ, अगर देखो 1050 तक भी तुम्हारा रैंक तो हो जाएगा, ठीक है, इतने यहाँ तक कंफर्म रहना। 1000 से लेकर 1050 तक भी तुम्हारा रैंक है तेरा 100% मान के तेरा हो जाएगा स्पोर्ट राउंड इंटर राउंड तक। उसके बाद मैं डेटा साइंस के ऊपर बात करूँ, 2500 से लेकर 2700 तक तुम्हारा रैंक है 100% मान के तेरे को मिलेगा, मैं सियोरिटी के साथ बोलता हूँ। ये बोलोगे भैया इतना सियोरिटी में डिटॉल भी नहीं देगा, इतना सियोरिटी आप देते हो अपना, बस मैं सब बता रहा हूँ 100% गारंटी देता हूँ, डिटॉल भी 99% देता है पर मैं 100% देता हूँ जो मैं रैंक लिस्ट बनाया हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, इसके बाहर अगर मेरा रैंक है तो मैं स्विच कर जाऊंगा, रिपोर्ट में तुम्हारा नहीं होने वाला है, ठीक। उसके बाद मैं आईटी के ऊपर बात करूं तो तुम्हारा 7850 से लेकर 1900 तक है तुम्हारा 100% तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं ईसीई के ऊपर बात करूं, अगर तुम्हारा रैंक 4000 से लेकर 5000 तक है तुम्हारा, ठीक है, तो तुमको यहां पे ईसीई मिल जाएगा मेन कैंपस में, ठीक। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, अगर तुम्हारा रैंक 8000 से लेकर के 9000 तक के बीच में है तो श्योर बात करो तेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगा। पर मैं हमेशा ये बोलता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लेने से अच्छा है तुम जयपुर वाले में सीएससी ले लो, एट द एंड तुम जब 4 साल तुम्हारा हो जाएगा उसके बाद तुम देखोगे भैया प्लेसमेंट किसका अच्छा है। तुम जैसा जान रहे हो आईटी सेक्टर बहुत आगे जा रहा है, मतलब आईटी सेक्टर का ही कोई ब्रांच लो, अगर नहीं भैया मेरे को इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है मैं कोडिंग भी कर लूंगा, मैं बचपन से कोडिंग करता आ रहा हूँ, हाँ वो सब स्पेसिफिक रीजन है तो हाँ तुम किसी में जा सकते हो। अगर मैं मैकेनिकल के ऊपर बात करूँ तुम्हारा 18K से लेकर 19K तक है तेरे को मिल जाएगा, ठीक है, सियोर। अगर मैकेनिकल के ऊपर बात करूँ तुम्हारा 17000 से लेकर के 19000 या 20000 तक तुम यह मान सकते हो। इंटर राउंड का बात कर रहा हूँ, ये मत बोलना भैया आपने तो 6th राउंड का बताया था, 6th राउंड में कटअप जा ही नहीं रहा, मैं इंटर राउंड तक का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ अपना मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के ऊपर, अगर तुम्हारा रैंक 1K तक है या फिर तुम्हारा 1.5K तक मान सकते हो, यहाँ तक है तुम्हारा सीएससी तुमको मिलना है तो मिलना है, सिर्फ इन तक बने रहो। और ये भी पूछ लेना है, अच्छा मैं ऐसा करूंगा ना ये बता दूंगा इंटर राउंड में क्या होता है उसके रिगार्डिंग में ट्राई करूंगा स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ। और किसी किसी बच्चे ये बोले थे भैया मेरे को स्कॉलरशिप कार्ड आपने वीडियो बनाया है मैंने अप्लाई कर दिया हूँ मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है अभी भी, मेरे को बताओ मैं कैसे क्या करूँ, सबके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो।
उसको देखो यहाँ पे AIM नहीं है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग CC ब्रांच है, तो 35 के तक मिला है, तेरे को CC यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ डेटा साइंस के ऊपर, जो सेम जाता है, डेटा साइंस हो गया तुम्हारा, CC हो गया, ये सब का मतलब थोड़ा सेम ही जाता है, 35 के तक तुम्हारा रैंक है, तेरे को सियोर रहो मिल ही जाएगा। उसके बाद मैं IT के ऊपर बात करता हूँ, 32 के से लेकर के अगर 33 के तक है, इसके अंदर में जाएगा, IT का थोड़ा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसके अंदर तेरे को मिल जाएगा, इस बात का सियोर रहो। उसके बाद मैं EC के ऊपर बात करता हूँ, 33-35 तक मान लो तेरे को EC भी तेरे को मिल जाएगा। अच्छा, बहुत बच्चा ये पूछते हैं भैया MIT बैंगलोर का कट ऑफ थोड़ा लो जा रहा है, आप मेरे को जयपुर एडवाइस कर रहे, देखो वो क्या है, मैं तो सब वीडियो में एक बात बोल रहा हूँ, अगर CS IT यहाँ पे ले रहे हो तो प्लेसमेंट अच्छा हो जाएगा, पर इनने इंजीनियरिंग कॉलेज देखा क्या है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल तो मैं 100% हमेशा बोलूंगा MUK इज बेटर देन MIT बैंगलोर, कम से कम 5 साल के बाद तुम देखोगे तब ये बेटर हो सकता है, पर अभी MUK बेस्ट है। सबसे फर्स्ट मैं इसे MIT मणिपाल देता हूँ, फिर जयपुर को देता हूँ, उसके बाद बैंगलोर को देता हूँ। सिक्किम अगर तेरे को कुछ एक्स्ट्रा करना है तो हाँ तुम सिक्किम जा सकते हो, वहां पर होता क्या है देखना, तुम्हारा EC ब्रांच सकता है, इसको डिस्कस करके मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ मैकेनिकल के ऊपर, 33 तक के तक है, 35 के तक भी है, तेरे को मिल जाएगा सियोर, ठीक है। बाकी मैं कॉलेज के ऊपर बात करने का सेंस नहीं बनता, तुम अप्लाई हुए हो 35 के 36 के तक भी है, इन तक तेरे को मिल जाएगा, सीट खाली रह जाता है ये सब ब्रांच में, ठीक है, तेरे को मिल जाएगा, तुम सियोर हो। उसके बाद मैं बैंगलोर के ऊपर बात करता हूँ, यहाँ पे बेसिक ब्रांच है नहीं, जितना ब्रांच है बस मैं बताता हूँ, 5 से 6 के तक है जो तेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके IT के ऊपर बात करूँ तो 14K, मतलब 14K के बाद अगर तुम्हारा रैंक है, प्लीज मतलब मणिपाल से उम्मीद छोड़ दो और किसी कॉलेज में उम्मीद लगाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं EC के ऊपर बात करूँ, 20K तक है तुम्हारा तो मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सिक्किम के ऊपर, किस किस को सिक्किम की तरफ स्विच करना चाहिए, देखो वहां पे क्या होता है, लोअर ब्रांच, इधर का लोअर ब्रांच जो होता है वो सब कटक थोड़ा अच्छा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना CSIT 35 के तक है, इसका जो 20K बन जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, जिसको मतलब IIES का तैयारी करना है या GATE का तैयारी करना है, DRDO का तैयारी करना है, ये सब का तैयारी करना रहता है, वो सब बच्चे क्या करते हैं, ये सब ब्रांच लेते हैं। ये सब ब्रांच से प्रॉफिट क्या है, ये सब गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अगर तुम ऊपर का ब्रांच लेते हो, CS हो गया, AIML, डेटा साइंस हो गया, IT हो गया, ये सब तुम IT सेक्टर में जाओ, ठीक है, इसमें तुम प्राइवेट सेक्टर में अच्छा से अच्छा काम कर सकते हो। अगर तुम EC हो गया, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल्स हो गया, सिविल हो गया, ये सब में क्या होता है, गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से बच्चा क्या करते हैं, सिक्किम की तरफ स्विच करते हैं। यहाँ का एनवायरमेंट क्या यार, मैं मणिपाल सिक्किम विजिट करके आया हूँ, बेस्ट कॉलेज, तुम जाओगे यार कि क्या बोलूं, बहुत मस्त कॉलेज है, ठीक है, इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल कैंपस है, मैं क्या बोलूं, वहां पर देखो ये सब का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। यहाँ पर बच्चा क्या करते हैं, गवर्नमेंट का तैयारी, GATE हो गया, DRDO हो गया, IES हो गया, ये सब का उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, इसी कारण से ये सब का कट ऑफ ज्यादा जाता है। उसके बाद तुम्हारा CSIT का, फिर भी पर मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ CSIT लेकर के चलो, क्योंकि एट द एंड तेरे को प्लेसमेंट भी देखना है, प्लेसमेंट देखने के बाद तुम किसी चीज में स्विच कर सकते हो, ठीक है। बस मेरे को लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से इंस्टाग्राम पे आके पूछो, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द तुम्हारा रिप्लाई करूं और उसे सॉल्व कर दूंगा। अगर इसके बाहर तुम्हारा रहता है, तुमने कमेंट किया का दे रखा है, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछो, कौन सा कमेंट किया कॉलेज भैया बेस्ट है, मेरे को मैनेजमेंट कोटा से लेना है तो मेरे को कम से कम में डायरेक्ट कॉलेज सेलेक्शन करवा के मेरा बता दो। मणिपाल में नहीं हो रहा है, तुम चाहते हो भैया मेरे को किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, या फिर मैंने कमेंट किया का एग्जाम दे रखा है, मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं है, मेरे को मैनेजमेंट कोटा से चाहिए, बस मैं एक ही बात बोलूंगा, किसी भी कॉन्स्टेंट ट्रैप में मत फंसना, मेरे से इंस्टाग्राम में आके पूछो या फिर तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं तेरे को ट्राई करूंगा कॉलेज से डायरेक्ट तुम्हारा करके जितना तुम्हारा फी हो सके बचाने का ट्राई करूंगा, बस मैं इतना ही बोलूंगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरे को और वीडियो बनाने की हमेशा मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।